हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के सचिव अंबर महाजन ने रघुवीर बाली को AICC का सचिव और बंगाल की जिम्मेदारी मिलने पर बधाई दी। वह नूरपुर के कस्बा जसूर पहुंचने पर फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत भी किया। रघुवीर सिंह बाली ने महंगाई पर भाजपा की सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि हर जगह महंगाई के बारे में ही सवाल जवाब किया जा रहा है। रघुवीर बाली ने कहा कि मोदी सरकार ने आज देश की सबसे बड़ी धरोहर रही तेल, बैंक, गैस, LIC में है सब कुछ बेचने को लगा दिया, नीलाम करने को लगा दिया। इससे ये पता चलता है कि आज देश की क्या हालत हो गई है। रघुवीर बाली ने कहा कि भाजपा ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, डबल इंजन की सरकार बनेगी। ये डबल इंजन आगे की तरफ नहीं पीछे की तरफ खींच रहा है। ऐसा लग रहा है देश की जनता, किसान वर्ग, नौजवान वर्ग जो है वो बेरोजगारी से ग्रसित है। भाजपा ने कहा था कि हर घर में रोजगार, हर माँ की पीड़ा को समझेंगे, अच्छे दिन लेकर आएंगे, इससे बुरे दिन देश के हो ही नहीं सकते। अपने क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद, लोकसभा की जनता का, कांगड़ा लोकसभा की जनता का आशीर्वाद, हिमाचल की युवा शक्ति, हिमाचल की जनता का आशीर्वाद, माँ कांगड़ा माँ चमुंडा का आशीर्वाद देखता हूँ। हमारे लीडर श्री राहुल गांधी जी के संकल्प के साथ जो हमने हमेशा जुड़े रहे, उनके साथ काम किया, हमारे नेता से जो सिखाया उसको आगे आगे बढ़ाने का काम किया, आशीर्वाद मानता हूँ कि नेता ने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है और उनके उनके साथ संघर्ष भी किया है, उनके साथ काम भी किया है, बहुत कुछ सीखा है, धरातल पर उसको लेके आ पाए और काम कर पाए। और जितनी अपेक्षा युवाओं को, बुजुर्गों को, सीनियर लोगों को है, उस अपेक्षा पे खड़े उतर पाए, आप लोगों को भी होगी अपेक्षा हमसे, उस पर भी खड़े उतर पाए। रघुवीर जी, आजकल महंगाई के बारे में आपका क्या कहना है, इतनी महंगाई बढ़ चुकी है? देखिए, हर जगह, जम्मू से जब मैं निकला हर जगह ये सवाल सबने पूछा, तो सवाल जो आप लोग ये सब पूछ रहे हैं इसका ये मतलब है कि आप लोग इस पीड़ा से ग्रस्त हैं, आपको भी इस पीड़ा का अनुभव रोज बाय रोज हो रहा है। रोज आने की जो जिंदगी है उसमें हर एक इंसान इससे जूझ रहा है। सर, बंगाल में क्या रही? मैं पहले इस सवाल का उत्तर देता हूँ, उसके बाद मैं बंगाल के बारे में जरूर बताऊँगा। देखिए, बेरोजगारी, गरीबी, हर चीज में झूठ बोलना, आज जो आपकी सबसे बड़ी, अपना घर आदमी कब बेचना चाहता है जब उसके पास कुछ नहीं रहता। आज आपके जो देश की सबसे बड़ी धरोहर रही है, ऑयल है, गैस है, बैंक है, LIC है, आज सब कुछ बेचने को लगा दिया है, नीलाम करने को लगा दिया है। तो इससे पता चलता है कि देश की क्या हालत होगी। इन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, डबल इंजन की सरकार बनेगी, ये डबल इंजन जो है ये आगे की तरफ नहीं पीछे की तरफ खींच रहा है। और मुझको ऐसा लगता है कि देश की जनता जो है, किसान वर्ग जो है, नौजवान वर्ग जो है, जो आज बेरोजगारी से ग्रस्त है, इन्होंने कहा था हर घर को रोजगार, हर माँ की पीड़ा को समझेंगे, अच्छे दिन लेके आएंगे, मुझे लगता है इससे बुरे दिन देश के नहीं हो सकते थे। कि आज सैकड़ों लोग मर गए, सैकड़ों लोग वीरगति को प्राप्त हो गए, किसानों ने जान दे दी, पर आज इनके सर पे जूं तक नहीं रहेगी, ये उनको मिलने देखने भी नहीं गए। ये बात करते थे स्वाभिमान की, ये बात करते थे इंसानियत की, आज इनका ना तो स्वाभिमान है ना ही इंसानियत है। अगर इंसानियत भी होती तो एक बार उस माँ की पीड़ा सुनते जिसका अपना बेटा खो गया हो, जिसका भाई खो गया हो, उस भाई से जाके पूछते। मुझे लगता है अच्छे दिन की जगह भयानक दिन हिंदुस्तान देख रहा है, कोविड से भी ग्रस्त है, परेशानी से भी ग्रस्त है, बेरोजगारी से भी ग्रस्त है। और इस संकल्प को लेके श्री राहुल गांधी जी हमेशा कोविड के दौरान भी बेचारे लड़ते रहे, कोविड के दौरान भी आगे बढ़ते रहे। मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ कि कोविड के दौरान सब लोग अपने घरों में बैठे हुए थे, पर राहुल गांधी जी, कांग्रेस का कार्यकर्ता, अपना मास्क लगा के भी हर चीज करता रहा। राहुल जी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बोलते रहे, बाहर आते रहे, लोगों के बीच जाते रहे, आप देख सकते हैं क्या हो रहा है। बंगाल का सवाल मेरे भाई ने पूछा, बंगाल में मैं जैसे ही बना वैसे ही मैं बंगाल गया। बंगाल का जो चुनाव है वो बड़ा ही दिलचस्प चुनाव है। ममता बनर्जी कह रही है खेला हो रहा है, तो ये खेला जो वो कह रही है वो किसके लिए कह रही है पूरा हिंदुस्तान जानता है, पर ये खेला वो सिर्फ बंगाल में नहीं कर रहे हैं,
जन जन के साथ हिंदुस्तान में ये खेला कर चुके हैं। तो एक माध्यम, सोशल मीडिया का माध्यम, मीडिया के माध्यम से ये बड़ा जरूरी है कि आप सारे अपनी भूमिका निभाएं। मेरी अर्ज है, दरख्वास्त है आपसे कि जन जन तक ये बात पहुंचे कि जो बंगाल में आज हो रहा है उसको देख रहे हैं सारी दुनिया कि आज किस तरह से हर चीज को ऊपर उठाया जाता है। फल पेज कुछ नहीं होगा, आप देखिएगा रिजल्ट जब आएगा। पिछली बार 44 सीटें थी कांग्रेस पार्टी की, निर्णायक भूमिका कांग्रेस पार्टी ने अपनी दर्ज की थी। जो कांग्रेस पार्टी का जो नेता है अब्दुल मनान साहब, वो वहाँ के सीएलपी के लीडर भी हैं, ऑपोजिशन के लीडर भी। इस बार भी आप देखेंगे राजनीतिक तौर से, राजनीतिक तौर से